मुद मंगल में सन समाज सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की बड़ी प्रसिद्ध साखी है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधा जंजीर। दुनिया में जो भी आया है उसे जाना ही होगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो या फकीर हो। प्रकृति के नियमों में किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। नियम है कि जिसका भी जन्म होगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जाना सबको है, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं जाने जाने में फर्क है, और वह यह है कि एक तो सिंहासन पर चढ़ कर जाता है और दूसरा जंजीरों से बंध करके जाता है। सिंहासन और जंजीर ये प्रतीकात्मक है, कहीं ऊपर आकाश में ऐसा कोई लोक नहीं है जहां से वहां का संचालक खुद सिंहासन लेकर के आता हो या अपने दूतों को सिंहासन लेकर के भेजता हो, और ऐसा भी कोई लोक नहीं है जहां का संचालक अपने कुछ दूतों को जंजीर लेकर के भेजता हो कि जा अमुक अमुक लोगों को बांध करके ले आ। पुराणों में तो पढ़ते हैं कि अमुक ऋषि, अमुक राजा, अमुक आदमी तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था, तपस्या पूरी हो गई, उसकी तपस्या से भगवान खुश हो गए, विमान में बैठ करके आए, उस तपस्वी अपने भक्त को अपने विमान में अपनी गोद में ही बैठा कर अपने धाम में ले गए। और ये सुनते हैं कि अमुक लोक है जहाँ यमराज मृत्यु का देवता रहता है, और जो गलत काम करने वाले हैं, पापी लोग हैं, उनको ले जाने के लिए अपने दूतों को बड़े बड़े मोटे मोटे जंजीर लेकर के भेजते हैं। एक रूपक है लोगों को समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे काम करोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे और तुम्हें अपने लोक में बुला लेंगे, स्वर्ग में, जहां सुख ही सुख मिलेगा। और यदि ऐसे ऐसे काम करोगे, गलत काम, तो उसके परिणाम में तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, जहां दुख ही दुख है, और नरक में जाने वालों को यमराज अपने दूतों द्वारा मोटी मोटी जंजीरों से बांध करके बुलाता है, घसीटते हुए ले जाता है। अच्छे काम करने के लिए प्रलोभन दिए गए स्वर्ग आदि का, गलत कर्मों से रोकने के लिए उनके फल में नरक का भय दिया गया। धर्म के क्षेत्र में स्वर्ग का प्रलोभन और नरक का भय, करीब करीब हर मत मजहब संप्रदाय में है। जिन्होंने स्वर्ग और नरक की कल्पना की, भले उनके मन में सद्भावना रही होगी समाज के लिए, उनका उद्देश्य सरल रहा होगा, लेकिन ये समझना होगा जहां लोभ है और जहां भय है वहां धर्म नहीं हो सकता।
धर्म का काम है लोगों को लोभ और भय दोनों से मुक्त करना। लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये स्वर्ग का लोभ और नरक का भय इतना जबरदस्त हावी हो गया है कि लोग थोड़े थोड़े में तो भयभीत होते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान नाखुश हो जाएगा। जन्म से घुट्टी में ये पिला दिया गया है। आप देखते होंगे कई बार ऐसा हम लोगों के संयोग पड़ता है, गाड़ी में बैठ करके जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जहां जहां मंदिर आएगा वहां वहां ड्राइवर हाथ जोड़ता जाएगा, सिर झुकाता जाएगा। लोग पैदल चल रहे हैं, सड़क से होकर के रास्ते से होकर के जहां जहां मंदिर आएगा वहां सिर झुका, वहां कुछ दूर रुक जाएगा, आधा मिनट एक मिनट मंदिर तरफ मुंह करके हाथ जोड़ लेगा, आंख मूंद करके प्रार्थना कर लेगा जहां जहां आएगा। क्यों? ऐसा करने से भगवान खुश हो जाएगा। और कहीं किसी विचार में डूबा रह करके आदमी कोई मंदिर पार कर लिया, थोड़ी दूर चला गया 10-50 कदम, अब याद आ गया, फिर लौट करके आ जाएगा, पता नहीं नाखुश ना हो जाए भगवान। अब इतना भगवान कमजोर है कि एक बार हाथ नहीं जोड़ते भगवान नाखुश हो जाएगा तो पता नहीं वो उसे क्या कहा जाए। ये लोभ और भय दोनों आदमी को सच्चे धर्म से विमुख कर देने वाले। कहते हैं एक बार संत राबिया नाम बहुत प्रसिद्ध है मुस्लिम फकीरों में, उच्च कोटि की साधिका, एक दिन सुबह सुबह अपने एक हाथ में पानी से भरी हुई बाल्टी और एक हाथ में जलती हुई मसाल लेकर के तेजी से दौड़ती हुई जा रही थी। लोगों ने देखा, कहा कि राबिया तो ऐसा कभी सड़क में दौड़ती नहीं थी, अकेले बैठकर साधना करती रहती थी, आज क्या हो गया? उसमें भी दिन का समय, एक हाथ में मसाल एक हाथ में पानी से भरी हुई बाल्टी। आश्चर्य हुआ, लोगों ने राबिया को टोका, कहा राबिया ये कहां जा रही हो, एक हाथ में पानी है और एक हाथ में जलती हुई मसाल है। और राबिया ने कहा, ये मसाल तो एक हाथ में इसलिए लिया हुआ हूं ताकि स्वर्ग में जाकर के आग लगा दूं, और पानी इसलिए लिया हूं कि नरक की आग को बुझा दूं ताकि लोग स्वर्ग नरक दोनों से मुक्त होकर के खुदा को याद कर सके। ये स्वर्ग और नरक के चक्कर में पड़कर लोग खुदा को भूल गए हैं, इसलिए नरक को बुझाने के लिए स्वर्ग मार्ग लगाने के लिए जा रही हूं। ये तो उदाहरण है। स्वर्ग और नरक के लोभ में पड़ करके वास्तविकता को भूल गए, ना अपने आप की याद, जैसे लोग मानते हैं खुदा की याद या परमात्मा की याद कहां है, रह गया। यहां कबीर साहब कहते हैं, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधा जंजीर। एक सिंहासन से बंध कर सिंहासन में बैठ कर गया और एक जंजीर से बंध करके गया। ये कोई बाहरी जंजीर और बाहरी सिंहासन नहीं है, ये तो एक कल्पना है। सिंहासन हमारे किए हुए कर्मों के शुभ संस्कार, हमारा मन हल्का है, प्रसन्न है, तनाव रहित, भार रहित, सरल है, निश्चिंत है, निर्ग्रंथ है, हर समय सिंहासन है। चाहे नंगी जमीन पर ही बैठे रहना पड़े, तपी हुई जमीन पर मन शांत है तो वहां सिंहासन है। और मन जल रहा है, अशांत, पीड़ित, उलझा हुआ, दुखी, तो हम जंजीरों से हर समय बंधे हुए हैं, नरक की आग में जल रहे हैं। कहां है नरक? ये मन की जो जलन है, मन की पीड़ा, मन का उद्वेग, यही तो नरक है। जब जब हमारा मन विकारग्रस्त हो जाता है, उत्तेजना में, ग्रंथियों में पड़ जाता है, तब तब ठीक है
अब दूर तक तो आवाज जाएगी नहीं, नजदीक आ जाए थोड़ा सा, थोड़ा आप तो सड़क जाओ थोड़ा सा, हाँ जहाँ तक है तुम लोग भी आगे बढ़ जाओ। जब जब हमारा मन तनावग्रस्त रहता है, उद्विग्न, अशांत, पीड़ित, तब तब हम नरक में निवास करते हैं, जंजीरों से बंधे हुए हैं, चाहे भव्य भवन में ही क्यों ना बैठे हों। और जब जब हमारा मन सरल है, शांत है, निर्ग्रंथ है, प्रसन्न है, तब तब हम स्वर्ग में बैठे, सिंहासन में बैठे हुए हैं। इसलिए कर्मों का सुधार, शब्द यहाँ कहते हैं जाना सबको है, कोई हो सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा से जड़ तत्वों से निर्मित है और एक जैसे एक ढंग से निर्मित हुआ है। सबके शरीर के बनने की प्रक्रिया एक जैसी है, जन्म लेने की प्रक्रिया एक जैसी, पुष्ट होने की, अक्षय होने की प्रक्रिया एक जैसी है। और प्रकृति का नियम है कि हर बनी हुई चीज विनष्ट होती है। हमारी भावना होती है किसी महापुरुष के प्रति, तो हम कहते हैं कि अमुक महापुरुष हमारे गुरु या हमारे पीर पैगंबर, हमारे अवतार शरीर से अमर है, ये हमारी भावना है। और ऐसी भावना रखते हैं तो थोड़ी श्रद्धा बढ़ती है, लगता है कि हमारे गुरु हमें देख रहे हैं हर समय, हम कोई गलत काम ना करें। और यह होता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, गुरुजी की कृपा, गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, उसे बल मिलता है। लेकिन भावना तथ्य को बदल नहीं सकती है। सबका शरीर मरण धर्मा है, ये नियम है प्रकृति का। लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये मान लिया जाता है कि अमुक चमत्कारी थे, अमुक ऐसे सिद्ध थे, अमुक ऐसे थे, अमुक ऐसे थे, वे लोग सशरीर अमर हैं। कबीर साहब नाम ले लेकर के कहते हैं जिनको तुम अमर मानते हो वो सब के सब मर गए। मर गो ब्रह्मा काशी को वासी, शी सहित मुवे अविनाशी, मथुरक मर गो कृष्ण गोवारा, मरी मरी गए दसो अवतारा, मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण मन निर्गुण जिन आनी, नाथ मछंदर बाँचे नहीं गोरख दत्त और व्यास, कहीं कबीर पुकार के सब परे काल के फांस। साहब एक ओर से कहते हैं कि ये सब लोग मर गए, लेकिन आश्चर्य एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर के कहने वाले कबीर अमुक सब मर गए, कई पंथों ने कहते कि कबीर ही अमर हो गए, कई पंथियों ने कबीर को अमर बना लिया है। कहते हैं कि कबीर साहब का शरीर पंच तत्वों से निर्मित थोड़े था, वो तो दिव्य शरीर था, अलौकिक। इसलिए न तो कबीर साहब का शरीर जन्मा और न कबीर साहब का शरीर मरा, वो तो सब समय विद्यमान है, एक भावना है। और भावना तथ्यतः हमें दूर ले जाती है। कबीर साहब मान लो अमर है तो क्या हमारी मुक्ति की डिग्री बढ़ जाएगी? और कबीर साहब मान का शरीर छूट गया तो हमारा बंधन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, जकड़ जाएगा? ज्ञान सबका अमर है। कोई भी महापुरुष जीवित रहते हैं तो अपने कर्मों के
कारण, अपने ज्ञान के कारण, जब तक उनका ज्ञान पतलित है तब तक वे जीवित हैं, शरीर अमर नहीं हो सकता है। हम लोग अपने को कबीर अनुयायी कहते हैं, कबीर पंथ। कोई पूछते महाराज आप क्या मानते हैं, हम कबीर अनुयायी कहते हैं। कोई पूछे आपसे हम लोगों से कि आप कबीर अनुयायी कैसे हैं, कबीर से क्या मुलाकात हुई है, हम कहते मुलाकात नहीं हुई है। तब कहते कबीर अनुयायी इसलिए कि उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके उनका जो ज्ञान है जीवन उतारने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके अनुयायी हैं। ऐसे सभी महापुरुषों के बारे में है। साहब कहते हैं इस अंधविश्वास में न रहो और शरीर को अमर बनाने की चेष्टा मत करो। शरीर को अमर बना करके क्या होगा, केवल झंझट ही तो होना है। अमर बनाने की तो बात ही छोड़ दें, आदमी के मन में यह होता है कि मैं बहुत अधिक दिन जीता, लंबी उम्र की कामना आदमी के मन में होती है। यद्यपि बहुत दिनों तक जीना और थोड़े दिन जीना कोई महत्व नहीं है, महत्व है कि जी करके हम क्या कर रहे हैं। थोड़े दिन ही जिए लेकिन सुख से जिए, आत्मकल्याण का काम किए, सेवा किए, हमारे द्वारा लोगों को प्रसन्नता मिलती रही तो थोड़ी सी जिंदगी भी सार्थक हो गई। और बहुत दिन जिए स्वयं उलझे रहे, लोगों को उलझाते रहे, स्वयं दुखी रहे, औरों को दुखी करते रहे, तो लंबी जिंदगी भी निरर्थक ही नहीं अनर्थक ही तो हुई, क्या फायदा है। लेकिन आदमी के मन में है और जी लेता और जी लेता, सबके मन में है। और प्रायः जब हम बड़ों को नमस्कार करते हैं सब कहते हैं आयुष्मान भव, दीर्घायु हो, लंबी उम्र जियो। कोई ये नहीं कहता है कि बेटा जब तक जियो तब तक सुख से जियो, खुश होकर के जियो, सेवा करते हुए जियो, बस दीर्घायु हो, आयुष्मान हो, लंबी उम्र जियो। क्या हो लंबी उम्र जीने करके, लंबी उम्र किसे कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि बेटा जुग जुग जियो, अब जुग जुग जीना ये आशीर्वाद है कि श्राप है, कोई कौन फादर जुग जुग जी। अरे जुग जुग जीना है, जुग जुग का अर्थ क्या है, मान लो यदि जुग की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन मान लो 5000 साल का एक जुग है, चलो एक ही जुग जीना है 5000 साल तक, लेकिन शरीर का धर्म परिवर्तन, शरीर का धर्म में तो नियम है, परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। पहले बालक होता है, किशोर होता है, तरुण होता है, युवा होता है, जवान होता है, अधेड़ होता है, प्रौढ़ होता है, बूढ़ा होता है, जर्जर होता है, तो शरीर का धर्म है। और जीते और हम अति 90-100 साल के बाद हो गए जर्जर, और 100 साल के बाद जर्जर होकर के खाट में पड़ गए, अभी जीना है 5000 साल तक से खाट में पड़े पड़े, तो यह श्राप है कि आशीर्वाद है, फायदा क्या होगा। इसलिए कितने दिन हम जीते हैं इसका मूल्य नहीं है, जी करके क्या करते हैं, अब क्या करना चाहिए यह सोचने लायक है। थोड़े दिन जिए सुख से जिए, और जितना बन सके औरों को सुख पहुंचाने का, सेवा करने का काम करें। तो मैं कह रहा था प्रकृति का जो नियम है वह सबके लिए एक बराबर है। प्रकृति के नियमों के अनुसार से सबका शरीर बनता है और सबका शरीर मिटता है। यहां प्रकृति के नियमों में किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। आदमी नियम बनाता है तो आदमी अपने नियम को तोड़ सकता है, कोई नियम को उल्लंघन किया तो उसको दंड दे सकता है, नियम को बदल सकता है, अब बदलता ही है नियम। लेकिन प्रकृति के नियम उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से हम उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं, जो है सो है। और प्रकृति के नियम सर्वत्र है, सब जगह एक जैसा। आवश्यकता है प्रकृति के उन नियमों को हम समझें और समझ करके जितना बन सके
उतना पालन करने का प्रयास करें। कहीं भी हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो चांटा खाना पड़ेगा। जो कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, कोई ऐसा ऐसी जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो, वो ईश्वर कौन है? वो ईश्वर है यही प्रकृति के नियम। नियम सर्वत्र है, कौन ऐसी जगह है जहां नियम ना हो? उस नियम को पहचानना, नियम के अनुसार से जीवन जीना, यही ईश्वर की इबादत करना, यही ईश्वर की पूजा करना। और ऐसा कोई अलग ईश्वर नहीं है। नियमों के अनुसार से चलते हैं सुखी रहेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे तो दुखी रहेंगे। यही ईश्वर द्वारा शाप और आशीर्वाद मिलना है, पाप पुण्य का फल मिलना है। इसी जो नियम है, उस नियम को प्राचीन युग में ऋग्वेदिक काल में कहा गया था रीत। ऋग्वेद में रीत की बड़ी महिमा है, बार बार रीत की चर्चा आती है। और रीत नियम, मानस जगत का भी नियम है, भौतिक जगत का भी नियम है। भौतिक जगत के अपने नियम, मानस जगत के अपने नियम। हम क्रोध करते हैं अशांत रहेंगे, जलेंगे। प्रेम करते हैं शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे। हमारे क्रोध और प्रेम से दूसरे लोग भी प्रभावित तो होते ही हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे क्रोध से दूसरा आदमी अशांत हो या ना हो, लेकिन हम तो स्वयं, हमें तो अशांत होना ही होना है। अपने मन को हमें बिगाड़ना ही बिगाड़ना है। हम किसी के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, वो हमारे प्रेम को, हमारे स्नेह को, हमारी भावना को समझ पाए या न समझ पाए वो अलग बात है, खुश हो या ना हो वो अलग बात है। लेकिन हम दूसरों के साथ प्रेम का, स्नेह का, करुणा का व्यवहार करते हैं तो हमारा मन तो प्रसन्न है, हमें तो दुख नहीं होगा। ये मानस जगत का अपना नियम है। कोई भी आदमी, कहीं भी आदमी हो, जो प्रेम करेगा प्रसन्न रहेगा, क्रोध करेगा अशांत रहेगा। इस नियम में परिवर्तन कहां होगा, किसके लिए? यदि हम प्रेम करके दुखी होते हैं तो मतलब हमारा प्रेम दिखावा का प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम है। हम कुछ चाहते थे ऐसा हम प्रेम करेंगे तो सामने वाला हमें प्रेम करेगा, हमें चीज देगा, हमारी बड़ाई करेगा, हमारी कामना पूरी नहीं हुई, हम दुखी हो गए। तो वहां प्रेम नहीं था, प्रेम का व्यापार था, प्रेम का नाटक था। अब व्यापार और नाटक में तो घाटा मुनाफा होता ही होना है। सही दिल से हम किसी को प्रेम करते हैं, सही दिल से हमारे मन में किसी के लिए आदर सत्कार सम्मान की भावना है, कोई समझे या ना समझे क्या फर्क पड़ता है, हमारा मन तो प्रसन्न रहेगा। तो मानस जगत का नियम है, ऐसे भौतिक जगत का भी नियम है। इसी को ऋग्वेद में रीत कहा गया है। और ये ऋग्वेद का यही रीत धीरे धीरे विकास करते करते ईश्वर का रूप धारण कर लिया। लावज्जन इसे ताव कहा है, लेकिन है ये सर्वत्र, सब जगह। इसमें कोई जानने समझने की शक्ति नहीं है, आदमी में जानने समझने की शक्ति है, इसलिए आदमी अपने नियम बदलता रहता है। प्रकृति में जानने समझने की शक्ति नहीं है तो उसका नियम एक जैसा होता है, बदलाव नहीं होता। हम उस नियम को समझ पाएं या न समझ पाएं यह बात अलग है। कोई आदमी गलत व्यवहार किया, जानबूझकर गलत व्यवहार किया या अनजान में गलत व्यवहार किया, तो दूसरा आदमी स्वतंत्र है, चाहे उसके साथ लड़ ले चाहे उसको क्षमा कर दे। अज्ञानी है तो लड़ जाएगा, तुमने ऐसा मेरे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों कहा। ज्ञानी है तो क्षमा कर देगा, ठीक है कर दिया कर दे, उसे मेरा क्या बिगड़ता है। क्योंकि आदमी के पास विवेक है, सोचने विचार शक्ति है, क्षमा कर देगा वह। लेकिन प्रकृति क्षमा नहीं करेगी, चाहे हम आग में जानबूझ करके हाथ डालें चाहे अनजान में हाथ डालें। आगे थोड़ी सोचेगी इन्होंने अनजान में हाथ डाला है,
क्षमा कर देती हूँ, जलाऊंगी नहीं। कोई छोटा बच्चा है, गलती कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, गुस्सा तो आएगा लेकिन कहते हैं अरे छोटा बच्चा है, नादान है, नहीं समझ पाया था इसलिए ऐसा काम किया, लेकिन आगे थोड़ा समझ गए तो नादान बच्चा है, आग में हाथ डाल रहा है, इसे जलाऊंगी नहीं। वो तो नियम ही है जलाना, चाहे उस आग को गाली दो चाहे आग की पूजा करो, उसका नियम है, उसका धर्म है जलाना। कितनी गाली दो ज्यादा ताव नहीं देगी, अब कितनी भक्ति करो ठंडी तो नहीं हो जाएगी, नियम है उसका। आग को देवता माना गया है, प्राचीन काल से आग को देवता माना गया है, आग का समुच्चय सूर्य, पूरी दुनिया का वर्तमान उपलब्ध साहित्य ऋग्वेद अग्नि शब्द से ही शुरू होता है, अग्नि मिले पुरोहितस् यज्ञ सोदारम, ऐसे मंत्र है, अग्नि से शुरू होता है और अग्नि का समुच्चय सूर्य, उसी सूर्य की महिमा में गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरणम भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस सविता देवता का ध्यान धारण करते हैं जो प्रकाश शुभ्र है, प्रकाश रूप है और हमारी बुद्धि को प्रेरित करने वाला है। प्राचीन आर्य सूर्य को आग को देवता मान करके उपासना करते थे, पार्थी लोग आज भी अग्नि पूजक होते हैं, और इतिहासज्ञ बताते हैं कि मूल रूप में आर्य संस्कृति और पार्थिव संस्कृति, आर्य परंपरा और पार्थिव परंपरा एक ही परंपरा है, दोनों एक ही कुल गोत्र परिवार के हैं, वो तो क्षेत्र अलग अलग हो गए, संस्कार बदलते गए, आदमी विवाद में विभेद हो गया। मैं ये कह रहा था कि आग को देवता मानकर आप उसकी उपासना करें, रोज हवन करें, तर्पण करें, ताकि अग्नि देवता खुश हो जाए, और ऐसा करते करते सालों के सालों बीत गए, किसी दिन आपसे असावधानी हुई और आग में आपका हाथ पड़ गया, कपड़ा पड़ गया, आग ये नहीं सोचेगी इतने साल से ये मेरी पूजा करते आ रहा है, इसको नहीं जलाऊंगी, ये तो मेरा भक्त है, काम है जलाना, नियम है उसका। ऐसे ही आप सर्वत्र समझ सकते हैं प्रकृति का जहां तक विस्तार है, उसमें साधु गृहस्थ और विरक्त, स्त्री और पुरुष, बूढ़े और बालक, दुष्ट और सज्जन, कोई भेद नहीं है। दुष्ट और सज्जन ये तो आदमी का बनाया अपना हुआ है, प्रकृति के लिए तो सब बराबर, जो जैसा करता प्रकृति वैसे वैसा लौटा देती है। यहां तार सदगुरु कबीर कहते हैं कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, सबको जाना है एक दिन, किसी का अहंकार करने की गुंजाइश नहीं है कि सब लोग मर गए तो मर गए, मैं कैसे मरूंगा। इसे ही घटना पुरानी घटना है, उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद से थोड़े उत्तर की तरफ एक युवक था, बड़ा स्वस्थ संपन्न परिवार, पढ़ा लिखा योग्य, लेकिन अहंकारी। योग्यता आती है तो अनेक लोग अहंकारी हो जाते हैं। योग्यता का तो अर्थ है कि जो योग्यता हमें मिली है उससे हम स्वयं सुख से तो जिए, अधिक से अधिक लोगों का भला कर सकें, तभी योग्यता की सार्थकता है। चाहे वो योग्यता किसी पर धन की हो, बुद्धि की हो, बल की हो, पद की हो, शासन की हो, स्वामित्व की हो, अधिकार की हो, कैसी भी योग्यता हो, योग्यता मिलती है सेवा के लिए, लेकिन अज्ञानवश योग्यता का हम अहंकार कर लेते हैं। तो युवक था तो बड़ा योग्य, सब प्रकार संपन्न, लेकिन महाअहंकारी। कहता था, लोग कहते हैं कि तुम मर जाओगे मर जाओगे, अरे कैसे मर जाऊंगा मैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा उन लोगों की मौत होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। मैं तो कभी सोचता हूं नहीं मरने के बारे में, इसलिए मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, और कभी मरने की नौबत आएगी तो उठ करके बैठ जाऊंगा।
ऐसा संयोग जवानी में ही शरीर में बीमारी आई, बीमारी बढ़ती गई, खाट पकड़ लिया, अनेक प्रकार के इलाज हुए लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई, कमजोर होता गया और जवानी में ही मर गया। तब लोगों ने कहा अब कैसे पूछे भैया कि तुम कैसे मर गए, अब पूछने को रास्ता भी तो नहीं ना कि कैसे मर गए, तो नियम है मरना सबको है, लेकिन सोचना यह है कि मरने के पहले क्या करना है। कितने लोग कहते हैं महाराज क्या करें, बहुत दुख है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी समस्या है, ये कहा नहीं हुआ, वो नहीं कहा हुआ, घबरा करके मरते महाराज मर जाना अच्छा है, लेकिन मर जाओगे तो क्या होगा। इसलिए कहा है लोग घबरा कर कहते हैं लोग घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे गिंगे, अगर मर का चैन नहीं मिला तो किधर जाएंगे, मरने बाद चैन नहीं मिला तो कहाँ जाओगे। इसलिए मौत की चिंता ही नहीं करनी है, न तो जीने की चिंता करनी है न मरने की चिंता करनी है। जब तक जीना जी है, शरीर है, जिए, मस्त होकर जिए, प्रसन्न होकर जिए, विवेक पूर्वक जिए। आज हमारे हाथ में है, आज हम जीवित हैं, आज मुर्दा तो नहीं है, तो आज हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम खुश रह सकते हैं और लोगों को भी कैसे खुश कर सकते हैं, ये सोचें। मरना होगा मर जाएंगे, मौत कोई दुखद घटना नहीं है, मौत कोई समस्या नहीं है, सोच सोच करके हम मौत को समस्या बना लेते हैं। जिए न जीने की चिंता न तो जीने की इच्छा न मरने की चिंता, दोनों से मुक्त। जीने की इच्छा छोड़ दें, मरने का भय छोड़ दें, इसी जीवन में आज बर्तन आज जीवन मुक्ति का अनुभव। एक सज्जन इलाहाबाद में रहते थे, बड़े सरल थे और गुरु जी की पुस्तक कल्याण पथ से अत्यंत प्रभावित, कहते थे कल्याण पथ यही मेरा वेद है, यही मेरा शास्त्र, यही मेरी उपनिषद, सब कुछ है। सैकड़ों बार उन्होंने पढ़ा होगा उसको। कहे गुरु जी से जब से मिला तब से जीवन ही बदल गया। एक बार आए गुरु जी के पास, कहे गुरु जी अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई है, सारी इच्छाएं समित हो गई, कुछ इच्छा नहीं रह गई, हाँ ये सोचता हूं इतनी इच्छा और है कि शरीर कुछ दिन और जीवित रह जाता तो जीवन मुक्ति का अनुभव कर लेता, अब मरने का कोई भय नहीं है, मरने का कोई भय नहीं है, वो तो सोचता हूं, लेकिन बस इतना सोचता हूं कि शरीर कुछ दिन और जीवित रह जाता तो जीवन मुक्ति का अनुभव कर लेता। गुरु जी ने कहा ये जीने की इच्छा है, जो जीने की इच्छा रखे ना इसको छोड़ दो, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। कि अच्छा ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, पर ये तो गड़बड़ है, जो कुछ दिन और जीने की इच्छा ये भी खत्म कर दो, अभी जीवन मुक्ति हो जाए, बाधा कहाँ है जीवन मुक्ति में। तो शरीर की तो मौत होगी, उसके लिए सोचना नहीं है, शरीर की मौत जब तक नहीं हुई है तब तक हमें क्या करना है, जीना कहते हैं। ये ढंग से जीवन जिए, सबका मोह छोड़कर एकदम निर्मोह होकर अनासक्त होकर के, तो जो सब तरफ से अनासक्त हो गया, सब तरफ निर्मोह, अपने मन को सबसे ऊपर उठा लिया, वो मौत को भी ललकार सकता है कि ए मौत आ, मैं तेरे स्वागत करने के लिए तैयार हूं। कबीर साहब ने क्या कहा था, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। क्या घबराहट है, मौत आएगी अपने साजन से मिल जाएंगे हम, मौत ही तो बात है ना, हर आदमी अपने प्रीतम से मिलना चाहता थे, मौत ही तो बात है, मौत उसमें क्या करेगा, शरीर ही बाधा है, शरीर छूट गया अपने प्रीतम से मिल गए, और प्रीतम से मिल गए ये भी कहने का तरीका, कोई अलग प्रीतम बैठा नहीं है, प्रीतम तो अपना आपा ही है, शरीर का मुंह ये अपने आप से मिलने में बाधा। इस शरीर में हम आए हैं, इस ढंग से जीवन जिए, इस शरीर का ऐसा उपयोग करें, इस शरीर में रहते रहते शरीर का मोह समाप्त हो जाए, शरीर में रहना सार्थक हो जाएगा, चाहकर चिंता मत करो। यदि मन सब तरफ से निर्मोह हो गया, निर्भार हो गया, अनासक्त हो गया, कृतार्थ,
तो सिंहासन पर आज हम बैठे हुए हैं, सब समय सिंहासन ही सिंहासन है। और यदि चिंता में डूबा है मन, मोहग्रस्त है, इच्छा कामना डूबा है, तो जंजीर से बंधे हुए हैं, बाहर क्या करेगा कोई। इसलिए चिंता किसी की नहीं करनी है, जहां जब जैसी आवश्यकता है शरीर रहते रहते वैसी व्यवस्था करें। वैराग्य का ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि व्यवहार को अनदेखा कर दिया जाए। कोई ज्ञानी और वैराग्यवान संत ये नहीं कहते कि तुम व्यवहार को अनदेखा कर दो। व्यवहार को अनदेखा करके मन बढ़िया नहीं हो सकता, किसी से लड़ कर किसी झगड़ कर कैसे होगा। जब तक शरीर है तब तक तो जो काम जिस समय उपयुक्त है, जिस ढंग से करना है उस समय उस ढंग से करना है। लेकिन करते हुए भी ये सोचना है कि इसका और हमारा संबंध क्षणिक है, आजकल में समाप्त तो हो जाने वाला है। हर काम को करते हुए अपने मन को उस काम से ऊपर उठा करके रखें, मन को ऊपर उठा करके रखें। लोगों से प्यार व्यवहार करते हुए भी अपने मन को ऊपर उठा करके रखें। बंधन कहाँ है? बंधन तो हम गलत ढंग से निगेटिव ढंग से सोच करके बना लेते हैं, अन्यथा मन के मोह, मन की गलत चिंतन के अलावा बंधन कहीं है ही नहीं। आखिर इसी संसार में जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं, वैराग्यवान कहते हैं, वे संत भी तो रहते हैं, कहां जाते हैं वे? वही खाना पीना है उनका, वही रहन सहन है, वैसे लोगों से मिलना जुलना है, वैसे बात व्यवहार है, फिर भी वे प्रसन्न शांतचित संतुष्ट तृप्त और हम उलझे हुए हैं। अंतर कहाँ है? अंतर बाहर नहीं है, अंतर भीतर है। सदगुरु से रामदास साहब ने कहा है, फेर पड़ा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रियन के माय, फेर पड़ा कुछ बुझ में, सो निर्वारे नाही। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के शरीर में लगे हुए जो तत्व हैं उनमें अंतर नहीं, वही मिट्टी पानी आग हवा, वही हड्डी वही मांस वही चाम वही मलमूत्र वही आंख नाक कान हाथ पैर, अंतर बाहर नहीं है, अंतर बुझ में समझ में है। ज्ञानी पुरुष काम करते हैं केवल कर्तव्य समझ करके, अनासक्त होकर, निर्भार होकर के, और हम काम करते हैं मोहग्रस्त होकर के, आसक्त होकर के, इसलिए हम बंध जाते हैं, वे उबर जाते हैं। साहब कहते हैं जाना सबको है, लेकिन जाने के पहले अपने लिए अपने शुभ कर्मों का, मन की निर्मलता का, अनासक्ति का, निष्कामता का सिंहासन बना लो, ये जीवन सार्थक हो सकता है। और इसके लिए हर आदमी स्वतंत्र है, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बाधा नहीं है। बाधा है मन की गलत मान्यताओं का, इन मन की गलत मान्यताओं का बाधा तोड़ करके इसी जीवन में जीवन मुक्ति का, परमानंद का अनुभव करें, यही सदगुरु संतों का उपदेश है। हम लोगों को इसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।